हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने साझा गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा साझा गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में और जानेंगे। गोलू के पास 12, 18 और 24 लीटर दूध अलग अलग बर्तनों में भरा है। गोलू सोच रहा है कि वो एक ही बर्तन का उपयोग करके उन सभी बर्तनों का दूध नाप लेगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गोलू किन क्षमताओं के बर्तन इस्तेमाल कर सकता है? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। पहले हम 12, 18 और 24 के गुणनखंड फैक्टर्स लिखेंगे। गोलू जिन बर्तनों को दूध नापने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? बिल्कुल ठीक, हमें इन 12, 18 और 24 के साझा गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स ढूंढने होंगे। 1, 2, 3 और 6 इन संख्याओं के साझा गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स हैं। मैं 2, 3 या 6 लीटर की क्षमता कैपेसिटी के बर्तन का इस्तेमाल करके इन बर्तनों में भरे दूध को आसानी से नाप सकता हूँ, और इनमें से सबसे बड़ी क्षमता कैपेसिटी वाले बर्तन की क्षमता 6 लीटर है। इसलिए मैं जरूर 6 लीटर के बर्तन से ही इन बर्तनों में भरे दूध को नापूंगा, गोलू ने सोचा। बच्चों, संख्याओं के साझा गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ी संख्या को हम महत्तम साझा गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। 12, 18 और 24 के सभी साझा गुणनखंड में से 6 ये संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 6, 12, 18 और 24 का महत्तम साझा गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। गोलू ने 6 लीटर के एक बर्तन से उन सभी बर्तनों में भरे दूध को नापना शुरू किया। इस बर्तन में भरे दूध को नापने के लिए गोलू ने उस 6 लीटर के बर्तन को 2 बार इस्तेमाल किया। इस बर्तन के लिए 6 लीटर के बर्तन को 3 बार और इस बर्तन में भरे दूध को नापने के लिए गोलू ने अपने 6 लीटर के बर्तन को 4 बार इस्तेमाल किया। इस तरह गोलू को पता चल गया कि इस बर्तन में 12 लीटर दूध भरा है, इस बर्तन में 18 लीटर और इस बर्तन में 24 लीटर दूध भरा है। बच्चों, अगर गोलू के बर्तनों में 30, 42 और 48 लीटर दूध भरा होता, तो क्या आप बता सकते हैं कि गोलू कौन सी क्षमता के बर्तन का इस्तेमाल करता? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। 1, 2, 3 और 6 ये संख्याएं 30, 42 और 48 के साझा गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स हैं, जिनमें से 6 सबसे बड़ी संख्या या महत्तम साझा गुणनखंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसलिए गोलू 30, 42 और 48 लीटर दूध नापने के लिए भी 6 लीटर की क्षमता के बर्तन का ही इस्तेमाल करता। गोलू ने अपने बर्तनों में भरे दूध को नाप कर उन पर इस तरह से लेबल लगा लिए ताकि दोबारा वो उनमें भरी दूध की मात्रा भूल न जाए। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा साझा गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में और जाना। अगली वीडियो में
हम इससे संबंधित कुछ मजेदार अवधारणाएं देखेंगे।